Duffer disclaimer. This video is merely a review of the film Indu Sarkar, not anti or pro any political party. राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। अब इस देश में गांधी के मायने बदल चुके हैं। इमरजेंसी में इमोशन नहीं, मेरे ऑर्डर्स चलते हैं। इंदिरा गांधी पे पिक्चर बनाई ना, हाउ कुड ही, व्हाट डिड ही शो, ओह माय गॉड। इतना पंगा हुआ इंदु सरकार की रिलीज पे, एवरीबॉडी वाज इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट कि यार पंगा है किस बात का। आई वेंट एंड फाउंड आउट, किसी एक ग्रुप को कंट्रोल करते हैं तो कल दूसरा कोई सर उठा लेता है। इंदु सरकार is actually the name of Kirti Kulhari's character, Indu, who marries Naveen Sarkar, a Bengali, and conveniently Mr. Bhandarkar gets the name of his film. आज से आपका टारगेट 350 है, 7 सुनना स्पंदिया है। ये बहरी सरकार सुनने वाली नहीं है, हमें अब कुछ बड़ा करना होगा। Most of us have read about the emergency, we know about the nasbandi, press pe pabandi and Congress party ki gundagardi. But this film tells us nothing new. अब इंदु का हस्बैंड तो गवर्नमेंट सर्वेंट है ना, वो तो बॉस का चाटू है, उसको सब सही लगता है। बट इंदु रियलाइजेस दैट इमरजेंसी इज डेफिनेटली नॉट अ गुड थिंग। इमरजेंसी मतलब ऐसे कैसे पुलिस निहत्थी जनता पर गोलियां चला सकती है? मेरे घर में इमरजेंसी के खिलाफ एक भी लफ्ज नहीं। बेचारी इंदु को तो जबरदस्ती स्टैमर कराया। हकला तो एक्चुअली पिक्चर रही थी। मैं भी नहीं रहूंगी, इस सिस्टम से लड़ूंगी मैं। इट्स डिसअपॉइंटिंग बिकॉज इट्स नॉट वर्थ द हाइप। इतना अच्छा मौका टू मेक अ फिल्म ऑन द इमरजेंसी अबाउट द गूंगी गुड़िया एंड हर सन एंड जस्ट गिव्स इट अवे। थोड़ा डेप्थ में जाते, कुछ ढूंढ के लाते, बट नथिंग लाइक दैट। सरकारी चैलेंजेस से नहीं, चाबुक से चलती है। अब जब तक वी फोकस ऑन दिस फैमिली ऑफ इंदु एंड नवीन व्हिच इज बीइंग टॉर्न अपार्ट थैंक्स टू इमरजेंसी, इट इज एंगेजिंग। इस कुरुक्षेत्र में हाथ कांपेंगे तो नहीं? अर्जुन के इरादे हिल सकते हैं, घायल द्रौपदी के नहीं। तो जैसे ही मिस्टर भंडारकर थोड़ा ऐसे पैन आउट करते हैं टू शो अस द पैन इंडिया इफेक्ट ऑफ द इमरजेंसी, थिंग्स बिकम अ लिटिल गड़बड़ बिकॉज काफी ओवर एक्टिंग होती है, एक्स्ट्राज मेलोड्रामा करते हैं। बेसिकली इट्स नॉट दैट गुड। And then Prime Minister Indira Gandhi, who actually imposed the emergency, is picture mein she only has a passing shot. But Neel Nitin Mukesh hasn't looked this good because he looks nothing like himself. Completely nailing the look and feel of that son who had everyone under his control during the emergency. Yeah, he should have been given more screen time. In fact, inko dekhne mein itna maza aata hai na that his character deserves a whole picture of his own. First half तो फिर भी ठीक ठाक लगती है क्योंकि we have patience, but second half तक ना everything is out of place and this is in spite of the fact the film has some real good actors. Kirti Kulhari and the guy who plays her husband, so convincing. इसके साथ नील नितिन मुकेश की पुरानी सारी गलतियां माफ, क्योंकि इस फिल्म में we notice him and we want to see more of him. पर अनुपम खेर doesn't have much to do. So I'll have to say अब की बार no इंदु सरकार. I'm giving it 2.5 quins out of 5. Strictly average.